हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम लोग है ना दाल बनाने वाले हैं ये होगी मिक्स दाल क्योंकि बहुत सारे दालों को मिक्स करके हम ये दाल बनाने वाले हैं और इस रेसिपी खास बात है इसमें कोई भी दाल आपको भिगोने वगैरह की जरूरत नहीं है सीधे आप बना सकते हैं ये दाल जो होगी ढाबा स्टाइल और बहुत ही यमी बनेगी और बहुत सिंपल रेसिपी है मतलब बहुत ज़्यादा कोई ताम इस रेसिपी में नहीं है तो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अरहर की दाल लेंगे तो कोई भी एक कटोरी मेजरमेंट के लिए ले लीजिएगा बट मैं आपको ग्राम में बता दूंगा तो अरहर की दाल सौ ग्राम पचास ग्राम आपको चने की दाल 25 ग्राम आपको मूंग दाल बिगड़ छिलके वाली उसके बाद सफेद उड़द की दाल डालनी है आपको ये भी 25 ग्राम के जितनी होगी समझ में आ गया आपको और एक टमाटर रफली स्लाइस में कट करके आपको इसमें डाल देना है उसके बाद तीन से चार हरी मिर्चें रफली कट करके कर आपको इसमें डाल देनी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कढ़ी लीव्स जो कि होंगे लगभग दस से बारह अब हमने क्योंकि जो दाल है उसको वॉश नहीं किया है तो आप एक पानी से वॉश कर लीजिएगा पहले वरना आप मतलब ज्ञान पर लेंगे कि यार वॉश ही नहीं किया ठीक है अब हम इसमें लगभग सात सौ से आठ सौ की जितना वाटर ऐड कर देंगे इसमें अब डाल देना है आपको ये नमक टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए हल्दी डाल दीजिए चौथाई चम्मच थोड़ी सी हींग दो से तीन चुटकी पेट के लिए अच्छा होता है और अदरक लहसुन का पेस्ट चौथाई चम्मच ढक्कन लगाना है सीटी मैंने लगभग चार से पाँच लगाई है सिम्पलिसटी ये है कि दाल गल जानी चाहिए इतना आपको इसमें सीटी लगाना है कि दाल अच्छी तरह गल जाए ढक्कन हटा देना है आपको और हमारी दाल जो है गल चुकी है और एक बात का खास ख्याल रखें कि इतना भी सीटी मत लगा दीजिएगा कि ये कड़ी बन जाए ठीक है अब आती है तड़के की बारी तड़का एकदम सिंपल है कोई भी लगा सकता है चार चम्मच ऑयल ले लीजिएगा इसमें स्लाइस में कट किया हुआ प्याज स्लाइस में कट किया हुआ लगभग दो प्याज मैंने डाले हैं जो मीडियम साइज़ के थे और उसके बाद आपको इसकी भुनाई करनी है ऐसा ब्राउन होने तक आप ये देख सकते हैं कि ये क्रिस्प हो गया लगभग ऐसा आपको प्याज को कर लेना है फिर गैस बंद कर देनी है उसके बाद चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच आपको कसूरी मेथी डालना है अच्छी तरह मिला लेना है गैस बंद करने के बाद लाल मिर्च डालिएगा वरना मिर्च जो है वो जल जाएगी ये काली पड़ जाएगी अच्छी तरह मिला लीजिएगा और ये तड़का आपको सिंपली दाल में लगा देना है और हमारी एक तम सिंपल दाल तड़का बनके तैयार हो चुकी है ऊपर से थोड़ा चोचलेबाजी कर दीजिएगा हरा धनिया वगैरह डाल दीजिएगा और बनके हमारी जो दाल है वो बनके तैयार हो चुकी है याद रखिएगा इसकी जो थिकनेस है जो इसकी मतलब दाल है वो आप मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत गर्म पानी कम ज्यादा कर सकते हैं ये मैंने अपने हिसाब से रखा है इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा देखिए धुएं एकदम गर्म हो चुका है आप देख रहे हैं ना हाँ तो गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा अगर आपको और बटरी या घी ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा किया और हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने और बस इस पर टूट पड़ी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो नए रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय थैंक यू